हेलो, मैं हूं करण बजाज और आज मैं वो तीन प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप किसी भी फेलियर को एक सक्सेस में टर्न कर सकते हैं। क्या आपके साथ ये हुआ है कि आपने किसी एक प्रोजेक्ट पे बहुत एनर्जी डाली पर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ? मेरे साथ ये हुआ है अपने राइटिंग में, अपने कॉर्पोरेट करियर में, क्योंकि लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि आप जब बहुत बड़े चांसेस लोगे तो फेलियर का चांस उतना ही बड़ा होगा। तो आज ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आप हर एक प्रोजेक्ट को फेलियर के बाद भी सक्सेस बना सकते हैं, ताकि आप कभी भी बड़े चांसेस लेने से घबराएं ना। तो फेलियर के बारे में लोग हमें बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं कि फेलियर बहुत अच्छा होता है लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर जब अपने साथ होता है तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो सब समझ आता है, बट इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो इसलिए क्योंकि फेलियर के साथ हमेशा एक बहुत पर्टिकुलर रिग्रेट एसोसिएटेड होता है। जब आप सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो मेरा फेल हुआ, इसको मुझे किसी अलग तरीके से करना चाहिए था, और फेलियर के बाद तो बहुत क्लियर आ जाता है माइंड में कि क्या चीज़ें डिफरेंट करनी चाहिए थी, और वो रिग्रेट इतना पर्टिकुलर होता है कि ये सब इंटेलेक्चुअल थ्योरीज से मन सुलझता नहीं है। तो कैसे फेलियर और रिग्रेट को ओवरकम करें, मैं तीन प्रिंसिपल सिखाऊं अपनी लाइफ में। प्रिंसिपल नंबर वन, लाइफ इज मेजर्ड इन डेकेड्स नॉट इन डेज। तो जिस दिन फेलियर होता है उस दिन बहुत बुरा लगता है, उस महीने बहुत बुरा लगता है, बट अगर एक थोड़ा सा लॉन्ग व्यू देखें तो एक डेकेड में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखेगी अगर आप उस फेलियर से लर्न करते हैं और राइट इनपुट वापस डालते हैं। मैं अगर अपना एग्जांपल देखूं तो एज 30 पे मैं शायद अपने बैच का, IIM में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बैच का सबसे बड़ा फेलियर था। उसके एक साल पहले मैंने अपना जॉब छोड़कर ये डिसीजन लिया था कि मैं ट्रैवल करूंगा और अपनी नॉवल लिखूंगा। मैंने वो करा, फिर जब मैं वापस आया तो उस टाइम पे लीमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था और कोई जॉब अवेलेबल नहीं था। तो एज 30 पे मैं अनएम्प्लॉयड था, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं बची थी क्योंकि पूरी एक साल ट्रैवल में चली गई। तो एक तरीके से मुझसे ज़्यादा फेलियर कोई और था नहीं उस टाइम पर, मैंने उससे लर्न करा। मैं दो चीज़ें सीखा। पहला ये कि चांस लेना बुरा नहीं था, पर बिना प्लानिंग के चांस लेना मेरी गलती थी, तो अगले टाइम जब चांस लूँगा तो बहुत प्लानिंग के साथ लूँगा। दूसरा, अभी मेरा ये सिचुएशन है, ना जॉब है, ना करियर है, ना पैसे हैं, अब मुझे डबल डाउन करना है अपने काम पे, अपनी राइटिंग पर, और मैंने वो करा। तो ये एज 30 की सिचुएशन थी। जैसी राइटिंग और जॉब पे डबल डाउन करना स्टार्ट करा, एक या दो साल में मेरी नॉवल आई जॉनी गॉन डाउन, जिसने काफ़ी अच्छा करा। मैंने जॉब चेंज करा, अपना करियर फिर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा। उसके कुछ सालों के बाद वो प्रिंसिपल यूज़ करके मैंने एक और बड़ा चांस लिया, एक साल योगा सीख कर एक और नॉवल लिखने का। तो एज 35 पे वो करा और अब की बार सोच समझ के चांस लिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, एंड मेरा क्रिएटिव ग्रोथ इतना हुआ कि मुझे डिस्कवरी के CEO बनने का चांस मिला और फिर अपना स्टार्टअप करने का चांस मिला। तो एज 40 पे अगर मैं देखूँ अपनी लाइफ वर्सेज एज 30 पे, सब कुछ बदल गया किसी भी पैरामीटर से, प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली। 30 से 40 पे मेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो लाइफ इज मेजर्ड इन डेकेड्स नॉट इन डेज। 30 पे मेरी लाइफ बहुत अलग थी, 40 पे लाइफ बहुत अलग है। ऑल यू कैन डू जब फेलियर होता है तो डेज में मत सोचिए, ये सोचिए कि मुझे राइट इनपुट देना है, एंड आई कैन अश्योर यू कि एक डेकेड में लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। फेलियर से डील करने का दूसरा प्रिंसिपल, बिलीव इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो ये है कि जब आप फेलियर होता है तो आप उसको एक डिस्क्रीट इवेंट मानते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा प्रोजेक्ट था, मेरे 2 साल गए इसके अंदर और वो फेल हो गया। पर आप ये भूल जाते हैं कि जो आपकी लर्निंग थी उस 2 साल में, वो एक्चुअली कंपाउंड हो रही है आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो मैं जब डिस्कवरी में हेड था, डिस्कवरी का इंडिया में, तो हम लोग ने एक बहुत बड़ा टीवी चैनल लॉन्च करा था मेरे लीडरशिप में, एकदम फेल हो गया राइट एट द स्टार्ट। उस टाइम पर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे 2 साल थे वो पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट में गए, काफ़ी लोग के ऑर्गेनाइजेशन में वो 2 साल उस प्रोजेक्ट में गए और वो फेल हो गया। पर उससे मैं सीखा बहुत कुछ। उस फेलियर से मैंने ये सीखा कि पहला, मुझे उस प्रोजेक्ट के एकदम डिटेल्स में जाना चाहिए था अगर वो इतना इंपॉर्टेंट था कंपनी में। मैं एक लेवल पे सुपरफिशियल था उस प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट में। दूसरा लर्निंग मैंने ये लिया कि जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाओ, वो हमेशा 10 times सुपीरियर होना चाहिए बाकी प्रोडक्ट से। तो अगर आप टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हो तो क्या वो रैली में 10 times बेटर है बाकी टीवी चैनल से? अदरवाइज लॉन्च मत करो। बस ये 2 learnings लेके मैंने वाइट हेड जूनियर स्टार्ट करा। तब मैं काफ़ी डर रहा था कि क्या वाइट हेड जूनियर स्टार्ट करूँ, अगर मैं ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाया तो मैं स्टार्टअप खुद का कैसे करूँगा। बट हिम्मत जुटा के मैंने वाइट हेड जूनियर स्टार्ट करा और सिर्फ ये 2 learnings अप्लाई करी, और इन 2 learnings के वजह से मैं बहुत डिटेल में इन्वॉल्व था वाइट हेड जूनियर का राइट स्टार्ट से। दूसरा, मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 10 times सुपीरियर होना चाहिए किसी भी ऑल्टरनेटिव से। इन 2 learnings के वजह से वाइट हेड जूनियर स्टार्ट से सक्सेसफुल रहा। तो अगर आप देखें तो मेरे जो 2 साल गए डिस्कवरी में,
उससे मेरा लर्निंग इतना ज़्यादा कंपाउंड हुआ कि वो अगले प्रोजेक्ट में जाके हेल्प करा। तो लर्निंग ऑलवेज कंपाउंड्स इवन इफ द फेलियर इज डिस्क्रीट। अगर आप ये मानेंगे तो आप कभी भी एक फेलियर को डिसमिस नहीं करेंगे कि आपका टाइम गया या आपका एनर्जी गया। एक्चुअली आपका एनर्जी और टाइम नहीं गया, आपकी लर्निंग बढ़ी उस टाइम में जो अगले प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करेगी। और फेलियर से डील करने का तीसरा और फाइनल प्रिंसिपल, ये मान के चलिए कि सिस्टम्स आर वेरी इनएफिशिएंट इन द शॉर्ट टर्म एंड वेरी एफिशिएंट इन द लॉन्ग टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं अपना इनपुट और आउटपुट का कोरिलेशन तो वो काफ़ी कम है, बट लॉन्ग टर्म में आपका इनपुट और आउटपुट का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि अभी तक हमने ये डिस्कस करा पहले दो प्रिंसिपल्स में कि कैसे आप फेलियर से लर्न कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और अगले प्रोजेक्ट को बेटर करें। पर काफ़ी बार ये होता है कि आपने अपनी तरफ से इनपुट एकदम परफेक्ट दिया फिर भी आउटपुट नहीं आया। तो अगर मैं अपना केस देखूँ, मेरा जो तीसरा नॉवल था द सीकर, वो मेरे हिसाब से जितना भी मेरा लर्निंग रहा है टेक्निकली वो मेरे सारे नॉवल्स में से सबसे अच्छा था, पर उसका आउटपुट इमीडिएट फेलियर था। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म में अपना इनपुट देखूँ सारे नॉवल्स का, अपने स्टार्टअप का, डिस्कवरी के क्रिएटिव फेज का, उसका लॉन्ग टर्म में मेरे आउटपुट कोरिलेशन से प्रोफेशनली पर्सनली बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप एक प्रोजेक्ट को देखें तो आपका इनपुट और आउटपुट शायद मैच नहीं करेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे जो भी आपका इनपुट रहा उससे आपका जो भी पर्सनल ग्रोथ हुआ, जो भी प्रोफेशनल ग्रोथ हुआ, उसका आपको आउटपुट रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो ये मान के चलिए ताकि आप शॉर्ट टर्म में फोकस नहीं रहे और शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें, आपका इनपुट। एंड ऑल यू ओ लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ 100% एनर्जी इन योर इनपुट, एंड लॉन्ग टर्म में आपको उसका आउटपुट पक्का मिलेगा। तो अगर आपने ये तीन प्रिंसिपल फॉलो करे, कोई ऐसा फेलियर नहीं है जो आप ओवरकम नहीं कर सकते। आपके क्या तरीके हैं फेलियर से डील करने के, डेफिनेटली कमेंट्स में डालिए ताकि बाकी लोग उसको देखकर कुछ सीख सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो ऑन हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, इसका एक कंपेनियन वीडियो है जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। मैं हूँ करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।